कंपनी का बंटवारा नामंजूर नामंजूर कंपनी का बंटवारा नामंजूर नामंजूर वी गेस जी। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ मून शाह आपका मेज़बान और आप देख रहे हैं वॉच विद मून शाह। जी नाज़रीन, जैसा कि हम आपको फ़नी, इल्मी और नॉलेजफुल वीडियोस फ्राहम करते हैं, इसी तरीके से आज हम फिर एक न्यू ब्रांड टॉपिक के साथ आपके पास हाजिर हुए हैं। तो मेरे पास जो है ये राशिद भाई मौजूद हैं, ये इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं सोई गैस के, इनसे हम करते हैं थोड़ी सी बातचीत। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जो आप एहतजाज कर रहे हैं, ये क्या मसला मसाइल हुआ है? आप लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं कि आप ये क्यों एहतजाज कर रहे हैं? जैसा कि मोहन भाई आपको पता है, ये जितने लोग आप देख रहे हैं सामने इकट्ठे हुए हैं एहतजाज कर रहे हैं, ये सारे स्विगी गैस के मुलाजम हैं। और आप ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि स्विगी गैस एक ऐसा अदारा है जो हमारे तमाम घरेलू सार्फिन, हमारी इंडस्ट्रियल को गैस सप्लाई करता है। अब हमारी कंपनी के ऊपर इस वक्त यह वक्त आ चुका है कि हुकूमत वक्त यह चाहती है कि इसे अनबंडल कर दिया जाए, इसकी अलग अलग छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां बना दी जाएँ। और ये एक मुनाफा बख्श अदारा है, ये ना सिर्फ अपने खर्च उठा रहा है बल्कि ये अपनी बचत करके हुकूमत को भी अपने बजट में अपना पैसा जो है वो देता है, कंपनी को प्रॉफिट देता है। तो एक मुनाफा बख्श अदारे के साथ छेड़छाड़ जो है ना, वो हमें मंजूर नहीं है। जी नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, जैसा कि पहली वीडियो में आपने देखा कि मेरे साथ राशिद भाई बैठे हुए थे, वो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे, और इस वक्त जो है वो मेरे लेफ्ट साइड पे मलक साहब बैठे हुए हैं और मेरे राइट साइड पे आज़म अदरीस साहब बैठे हुए हैं। और ये जनाब जो है यहाँ पर यूनियन के मामलात भी संभालते हैं। यूनियन के मामलात को संभालने के साथ साथ जो है वो एम्प्लॉयज़ का कोई मसला हो उसको भी देखते हैं। इनसे भी हम थोड़ी सी इसी मसले पर डिस्कशन करते हैं कि ये एहतजाज क्यों कर रहे थे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। जैसा कि मैंने राशिद भाई से ये पूछा था कि आप एहतजाज क्यों कर रहे हैं, उन्होंने भी थोड़ी सी इसके ऊपर जो है वो रोशनी डाली थी। आप भी हमें ये बताएं कि आप ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं? देखें, ये एक इस टाइम हमारी कंपनी का बहुत हॉट इशू बना हुआ है, जिसमें कंपनी का बंटवारा के एक ऐसी बात है कि आपका अपना जिस्म है, ठीक है, और उसको तकसीम करने की बात हो रही है। बेसिकली कंपनी हमारा जिस्म है, ठीक है, और उस हमारे जिस्म को, एक तो होता है ना कोई अज़ा नकारा हो जाए तो उसको डॉक्टर काट देते हैं, ऑपरेट करके अलहदा कर देते हैं। अब हमारे जिस्म का हर पार्ट वर्किंग में है, हर पार्ट हमारा प्रॉफिटेबल है, हर पार्ट हमारा गवर्नमेंट सेक्टर को प्रॉफिट दे रहा है, उसके बावजूद हमारे इस जिस्म को काटने की बातें की जा रही हैं हुकूमती अवानों में। हम उनसे पुरजोर अपील करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि कंपनी का बंटवारा हमें नामंजूर है, ये मज़दूरों का माशी कत्ल होगा। मज़दूर आगे ही बहुत परेशानी में, हालात इस तरह के ऑलरेडी मुल्की लेवल पे भी कुछ इस तरह के चल रहे हैं, पहले ही लोग बहुत परेशान हैं। इसमें मज़दूर, एम्प्लॉय, हमारी एग्जेक्टिव तमाम आते हैं जो भी इस कंपनी का हिस्सा हैं। तो इसलिए जौन सा हमें ये इकदाम जौन सा गवर्नमेंट का हमें मंजूर नहीं है, और इस पर हम पुरजोर अपील भी है हमारी और एहतजाज भी है, और वो हम एक पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते थे, और उसी सिलसिले में सब दोस्त अहबाब इकट्ठे हुए थे और वो हमने प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड करवाया। पर जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि छोटी छोटी ये सुई नादरन और सुई साधरन की अजारादारी ख़त्म करके हम छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ बनाएंगे, तो छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ बनाने से 200% गैस के नरख महंगे हो जाएंगे। यानी जो अब सस्ती गैस इस वक्त आवाम को मिल रही है, ये 200% महंगी गैस आवाम को मिलेगी। इस बंटवारे का सबसे बड़ा नुकसान तो आवाम को होगा, और ये इस वक्त जो मुनाफा बख्श है ये फिर नुकसान में चला जाएगा, कंपनी भी नुकसान में चले जाएगी, अदारा भी डूब जाएगा, हमारे जो सार्फिन हैं घरेलू सनती इंडस्ट्रियल, वो सारे के सारे इतनी महंगी गैस खरीद के वो किधर जाएंगे, वो आवाम किधर जाएगी। अच्छा, ये आपने आवाम के लिए बताया, आवाम के लिए बताया, आप मुझे ये बताएं कि एम्प्लॉयज़ के लिए भी क्या इसके अंदर थोड़ी सी खलिश है, थोड़ा सा नुकसान है क्या? बिल्कुल, आवाम के लिए तो है ही है, और एम्प्लॉयज़ के लिए इस तरह नुकसानदेह है। जितनी ज़्यादा कंपनियां बनेंगी उतने ज़्यादा उनके हेड बनेंगे, उनके एमडीज़ बनेंगे, उनके लिए फिर ज़्यादा तनख्वाहें देनी पड़ेंगी कंपनी को, और उसका ज़्यादा मुलाजमीन जब आएंगे तो ज़ाहरी सी बात है कंपनी के लिए नुकसानदेह ही होगी, हमारे एम्प्लॉयज़ का नुकसान होगा। एक चीज़ को पहले लोग 100 खाने वाले हैं तो उसे 1000 खाने वाले होंगे, तो वो उसका लुक में बट जाएंगे। इसीलिए तो हमारा ये नारा है कि इस कंपनी का, स्विगी गैस कंपनी का बंटवारा ना मंजूर।
अच्छा आजम भाई, मेरा आपसे अगला सवाल यह है कि इससे क्या नुकसान होगा आवाम जो अपने घरों में बैठी है, जो बड़े अच्छे तरीके से फैसिलिटेट हो रही है, उनके ऊपर कोई असर पड़ेगा? इसमें आप देख सकते हैं जैसे लेस्को, पेप्को, हैप्को, मुख्तलिफ एक पहले भी प्रैक्टिस की जा चुकी है बाबडा के ऊपर, तो उसमें कितने अदारे बने, फिर उतनी ही मैनेजमेंट उन पर आई, उतने MDs, जिस तरह इस टाइम हमें एक MD अमर तुफैल साहब लीड कर रहे हैं, इस तरह जब इसका बंटवारा होगा तो इसमें मज़ीद लीड करने के लिए एक एक MD बढ़ाया जाएगा, उनके एक्सपेंसेस, और ये सारे एक्सपेंसेस कहाँ से इकट्ठे होंगे? डेफिनेटली ये अवाम की जेब में से इकट्ठे होंगे, और कैसे इकट्ठे होंगे? हर अदारा पेप्को, लेस्को, हैप्को, जिस तरह हर कंपनी के, जिस तरह आप देख सकते हैं कराची में कैस्को है, वो हर कंपनी के रेट लेते हैं, ठीक है, और के इलेक्ट्रिक के जिस तरह रेट लेते हैं, उसके अलावा लेस्को के लेते हैं, इस तरह ये जो सी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, और ये डेफिनेटली इसका खमेजा जो सा एम्प्लॉयज़ तो भुगतेंगे ही, साथ अवाम को ज़्यादा नुकसान होगा इसका, जो से यूज़र है, सार्फिन है, उनकी जेब पे ज़्यादा डाका डलेगा। जी नाजरीन, जो है बिल्कुल वेरी पोलाइटली तरीके से हम आपको जो है वो अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं। तो एक दफ़ा फिर हमारी हुकूमत से पुरजोर, आजजाना, दर्दमंदाना और मुखलस तरीके से ये अपील है कि जो ये फ़ैसला करने जा रहे हैं इसके ऊपर एक दफ़ा नज़र सानी कीजिए, खुदारा इस कंपनी को जो है वो प्राइवेट होने से बचाइए, और जो है एक कंपनी जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही है, तो उसको प्राइवेट करने से फ़ायदा कोई हासिल नहीं होगा। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आजम अदरीस साहब जो है वो मज़ीद कुछ कहना चाहते हैं? जी आजम साहब ज़रूर कहें आप। लास्ट में एक और चीज़ कहना चाहूँगा, सोशल मीडिया का दौर है, हर इंसान के पास इस टाइम नेट मौजूद है, और उस पर आप लोग अगर सर्च करना चाहें तो हमारे पीछे फिजिकली एयर जोन्स है ना, वो लोग जितने भी मेरे सुनने वाले हैं सब देखें, हमारी कंपनी लास्ट ईयर भी प्रॉफिट में रही है, कंपनी को कंपनी ने गवर्नमेंट सेक्टर में अरबों रुपये का प्रॉफिट दिया, लास्ट थ्री टू फोर ईयर्स का आप देख लें, हम तकरीबन 30 अरब प्लस जोन सा ना गवर्नमेंट को इन 4 से 5 साल के दौर में दे चुके हुए हैं, और इस पे इसके बावजूद हमारी ये बंटवारे की बातें की जा रही हैं। जी नाज़रीन, तमाम हलाकतों वाक़ात जो है वो आपके सामने हैं और गवर्नमेंट के भी सामने हैं, हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है वो गवर्नमेंट कुछ अच्छा डिसीजन लेगी। नाज़रीन, हम जो है यहाँ पर नेक उमंगों के साथ, नेक उम्मीदों के साथ बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह जो है वो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या हमने अच्छी बात की और ये है हमने एक अच्छा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। तो इसी तरीके से हम आपको फ़नी, इल्मी, नॉलेजफुल और सियासी वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे, आप देखिए रहेगा हमारा चैनल। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह।